आउ मात्र गोटे दिन अपेक्षा राम मंदिर रे विराजबे रामलला सेथिपाई पूरा अयोध्या वर्तमान प्रस्तुत किंतु आपण जो देशर कोण अनुकोणर थांतु ना काई के आपणक मनर मध्ये भावना आसुतबो मु जदि अयोध्या जाईथांती तबे हुए तो प्रभु को एक कथा कहितांती अयोध्या रे एमिति को पॉइंट हेछि जोठे आपण अयोध्या एवं राम मंदिर विषय रे कोण भावुचंती ता विषय रे आपण लेखि परिबे कैमरा पर्सन सुमंत आपणक विजुअल माध्यम रे देखैबे केते सुंदर हेछि ये जो पॉइंट टी याकू गोटे प्रकार राम मंदिर पॉइंट बोली कहि परबा काहे कि एठे मनर भावना परिप्रकाश हेइ पारुछि जे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जदिओ याकू परमिट देछि किंतु आउ गोटे कथा आसैत जोडी हेइ पारिबो यात्रा धाम ऑर्गेनाइजेशन याकू सुंदर भाबर प्रस्तुत करिछि एवं लोक माने जो माने अयोध्या आजि आसिछन्ति रामलालांको दर्शन कालिठु करि सारिछन्ति एवं अयोध्या धाम आसिछन्ति राम मंदिर रे दर्शन करिछन्ति रामलालांको दर्शन परे अयोध्या पई एवं राम मंदिर प्रतिष्ठा पई निज मनर भावना कोन अछि चिट्ठी माध्यम रे जणौछन्ति ये छोटे छोटे टोकन आपण देखुछन्ति बहु जन लोक निज निज मनर भावना परिप्रकाश करछन्ति कि अयोध्या पई निज मन भावना परिप्रकाश करिछि तो आउ के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पाई निज भावना को प्रकाश करिछि सीधा सड़क आलोचना मध्य करबा ये देखुथिबे हरा भरा पूरा हलदिया गोलापी नाली एवं अन्यान्य ब्लू रंगर छोट छोट कपी छोट छोट टुकन अछि जोंथरे अनेक जन अनेक व्यक्तिगत मत मंतव्य भी रखिछन्ति किए किए तो आई लव यू राम और जय श्री राम ए सब नारा मध्य लेखिछन्ति देश रे धर्म संस्कृति ए सब ऊपर मध्य आलोचना करछन्ति सीधा सळ कथा हबा जो माने यात्रा धाम ऑर्गेनाइजेशन रो ट्रस्ट मेंबर माने अछन्ति एवं काहेकि एभली एक चिंता करछन् से सब विषय आलोचना करबा सर जी स्वागत करते हैं हम ओडिसा अर्गस न्यूज से हैं सर ये जो पॉइंट आपने बनाया सभी की दृष्टि यहाँ पे खींच ली आपने अयोध्या जो जो आए इस टुकन पर अपने आप में जो मत है जो मन में है वहाँ पे लिखा है ऐसा क्यों भावना आपने मन में आया और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है इस भावना को लेकर हमारी yatradham.org जो है वो पूरे भारत में धर्मशाला का ऑनलाइन बुकिंग और पूजा का ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो हमारी टीम जो यात्राधाम है उनको ऐसी एक संकल्प किया है कि जो कोई छोटे या बड़ा लोग है जिसकी भावनाएं होती है पर वो व्यक्त नहीं कर पाते या तो मंदिर तक नहीं जा पाते तो उनकी ओर से हमारा प्लेटफॉर्म यात्राधाम ये प्रोवाइड कर रहा है कि हम सबकी ये 20 लिस्ट आप अलग अलग लैंग्वेजेस में देख लगे कई भाषाएं हैं यहाँ पे छोटा बच्चा भी लिखता है और बड़ा भी लिखता है तो सबकी ओर से यात्राधाम टीम संकल्प कर रही है कि मंदिर तक हम ये सबके मैसेजेस पहुँचाएंगे एक फ्रेमिंग करके सबके मैसेजेस मंदिर तक हमको पहुँचाना है ये हमारा संकल्प है यात्राधाम का। कितने लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कब से ये शुरू किया आपने आज ही शुरू किया या फिर पहले से भी कर चुके हैं ये बात? नहीं हमें आज यहाँ पे आज से शुरू किया पर हमारा 4-5 दिन से ये शुरू है और अप्रोक्सीमेटली हमारे 400 से 500 चीट जितनी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और आज जो आएगी आप देख से अप्रोक्सीमेट 100-150 जितनी चीट अभी यहाँ पे होगी तो हर रोज 100-150 जितनी चीट हमारे पास आती है और ये पूरा लेके यात्राधाम टीम मंदिर तक पहुँचाएगी और सबको ट्रस्ट को भी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी चीट है वो उनको रिक्वेस्ट है अपनाएं। लोगों की क्या भावनाएं जुड़ी हुई है राम मंदिर के साथ वो अपने अंदर रखते हैं लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर जो लिखेंगे वो क्या क्या लिखते हैं ऐसा तो मानना है लोगों की सकारात्मक भावना जुड़ी हुई है राम मंदिर के साथ बहुत लोग खुश हैं देश भर में विश्व भर में लोग देख रहे हैं तो आपका जो प्रयास है कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं पहली बार आप अयोध्या में शायद कर रहे हैं तो लोगों की रिस्पॉन्स क्या है? नहीं ये अभी तो देखे तो लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हम यहाँ पर शायद 10 दिन से रुके हुए हैं वो जो राम भद्राचार्य जी का अमृत महोत्सव हो रहा है वहाँ पर हम काम कर रहे थे वहाँ पर मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे तो अभी वहाँ पर हमारी ये जो पूरा स्टिकी नोट का वहाँ पर लगा हुआ था तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीट मिली है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीट मिल चुकी है। हाँ तो ये सारी चीट हम इकट्ठा करके वो मंदिर ट्रस्ट में देने। आपने भी कुछ चिट्ठी लिखी क्या लिखी आपके मन में क्या भावनाएं थी भावनाएं हैं राम मंदिर के प्रति क्या लिखा आपने? मैंने ये लिखा है कि देश और संस्कृति के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल है और जो सरकार कर रही है वो इतना ही ऐतिहासिक स्वर्णिम में लिखा जाएगा और ये भाई साहब जो कर रहे हैं ये इनका भी एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये इन चीज़ों को भी हम भी कहना चाहेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनपद राय जी से कि इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और इसको देख करके ही इनको भी बहुत बड़ा इन्होंने टारगेट रखा है तो इसका जो है वो लाभ लें और सभी लोग अपनी अपनी राय इसमें व्यक्त कर रहे हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि ज़रूर इस पर ध्यान दें।
ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲତା ଚକର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ସମର୍ପଣ ତ୍ୟାଗ ସଂଘର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ନିଜ ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁପନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଠି ଜରିଆରେ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିଧା ସିଧା ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଧାମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।